I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out. Over and out. Again. My future needed clarity. So I could see how you react. How you'd react. सोच रहे होंगे कि मैंने डेमो पहले क्यों किया, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं खुद नहीं यूज़ कर सकती वो मैं आपको कैसे रिकमेंड करूँ। और बिना यूज़ किए हुए मैं कोई भी रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद पे नहीं यूज़ करूँगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। वरना कुछ अलग है, मैं हर प्रोडक्ट का रिव्यू करने से पहले उसको अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और उसका डेमो भी पहले आपको शो करती हूँ एंड देन उसका रिव्यू शेयर करती हूँ आप लोगों। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन हिंदी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू, जो कि है न्यूली लॉन्च विनी कॉस्मेटिक की व्हाइट टोन फेस क्रीम। उनका फेस पाउडर मार्केट में काफी साल पहले लॉन्च हो चुका है, तो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगी। विनी कॉस्मेटिक जिनकी फॉग डियो, प्रेटी 24 क्रीम, व्हाइट टोन फेस पाउडर, ग्लैम अप करके क्रीम जो सब लॉन्च हुई है वो विनी कॉस्मेटिक्स की है। उसी कंपनी ने लास्ट मंथ लॉन्च किया है व्हाइट टोन फेस क्रीम। आप जानना चाहते हैं कि ये क्रीम कैसी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये किस लिए यूज की जाती है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा रेड बटन को प्रेस करके। एंड जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप सिंपली जाके मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबकी हेल्प करूंगी एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। व्हाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ फेस क्रीम, हाइड्रेटिंग एंड सन प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, ये 25 ग्राम का ट्यूब है एंड इसकी एमआरपी 75 रुपीज है। इसकी शेल्फ लाइफ 24 मंथ्स की है। ये अभी कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझको ये एक शॉप पे मिली। मैंने बहुत सर्च किया कानपुर में एंड देन जाके मुझको ये मिली क्रीम। तो अभी इसमें कोई डिस्काउंट की तो उम्मीद मैं कर भी नहीं सकती हूँ, ना आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसमें कोई डिस्काउंट मिल पाएगा। अगर पैकेजिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है एंड ये पिंक कलर का क्यूट सी कार्डबोर्ड बॉक्स है। अगर अंदर ट्यूब की बात करें तो ये पिंक कलर का ट्यूब है। जैसे कि प्रेटी 24 क्रीम अगर आपने यूज़ की होगी तो उसकी भी पैकेजिंग कुछ एक इसी तरीके की मिलती जुलती है। एंड पर्पल कलर का कैप है। इसकी नोजल जो है वो बहुत पॉइंटेड है, आई होप मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो। बॉक्स में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ यूज मेंशन है क्लियरली। अगर सिर्फ की इंग्रेडिएंट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें केमिकल्स भी हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स भी है, जैसे कुछ ऑलिव ऑयल एंड इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स भी हैं, और इसमें पैराबेन भी है। मैं क्लियरली बताना चाहूंगी कि इस प्रोडक्ट में पैराबेन भी है। अगर आप पैराबेन वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो इसके बॉक्स में एज सच कोई भी क्लेम नहीं है, ना कोई ट्यूब में क्लेम मेंशन है, बस फ्रंट में इसमें लिखा है हाइड्रेटिंग एंड सन प्रोटेक्शन। मींस आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगी एंड साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन कर देगी। बट इसमें ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि इसमें कितना SPF है, कितनी हाई प्रोटेक्शन देगी सन से। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई कि इसमें मेंशन करना चाहिए था कि इसमें कितना SPF है, इसको यूज़ कैसे करना है। अप्लाई वाइट टोन फेस क्रीम एज वेन रिक्वायर्ड, मीन्स इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली इसमें इतना मेंशन है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी एंड स्मेल की बात करें फ्रेंड्स, तो पिंक कलर की क्रीम है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, मीन्स बहुत माइल्ड सी स्मेल है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको पसंद आएगी। अगर आप इस तरीके की फ्लावरी टाइप की स्मेल पसंद करते हैं तो ये स्मेल आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर इस क्रीम के टेक्सचर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, मींस ये क्रीम क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई भी ऑयली टेक्सचर नहीं देती, कोई भी फेस में ग्रीसीनेस नहीं देती। थोड़ा सा टिंट है, मींस इसमें थोड़ा सा अगर आप अप्लाई करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको वाइटनेस मिलेगी, मतलब क्योंकि इसमें हल्का सा टिंट है, जो कि आप कह सकते हैं बहुत लाइट सा टिंट है, जैसे BB क्रीम और CC क्रीम में होता उतना भी नहीं है, बट थोड़ा सा है जिससे आपका फेस ब्राइट एंड वाइट लगेगा। तो था इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। अब मैं शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस क्रीम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये क्रीम कहीं भी क्लेम नहीं करती है कि ये आपके फेस को फेयर करेगी या वाइट करेगी। ना ये कोई एंटी मार्क्स क्रीम है, ना ये कोई फेयरनेस क्रीम है, मतलब कि ना ये आपके फेस को फेयर करेगी, ना ये आपके जो दाग धब्बे हैं उनको कम करेगी, या एंटी रिंकल्स क्रीम, कुछ भी नहीं। ये एक तरीके की टिंटेड क्रीम है। जैसा कि मैंने इसको 5 डेज अप्लाई किया, मैं इसको लगा के बाहर गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मेरे फेस को एक ब्राइटन लुक दे रही है, ना कि मेकअप वाला लुक दे रही है। मतलब कि जब
बहुत बार ऐसा होता है हम गर्ल्स के साथ कि हम हर बार मेकअप करके बाहर नहीं निकल सकते, एंड अगर हम लोग बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते तो फेस बहुत डल एंड टायर्ड सा लगने लगता है। बट इस क्रीम को लगाने के बाद आपका फेस लिटिल बिट ब्राइट लगेगा एंड ये क्रीम हेल्प करेगी आपके ऑयल सेक्रेशन को, मींस आपका फेस ऑयली नहीं लगेगा, मैट फिनिश रहेगी। बहुत लोगों को इशू होता है कि थोड़ी देर बाद पसीना आने लगता है एंड फेस डल डल सा लगने लगता है, बट इसको लगाने के बाद एज सच कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगी। अगर रिकमेंड करने की बात करें तो ये क्रीम मैं उन लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि जो एक कॉलेज गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, जिनको डेली बाहर जाना पड़ता है, एंड जो फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम अवॉइड करते हैं, जिनको डेली ये सब लगाना पसंद नहीं है, के साथ ब्राइट एंड फ्रेश लुक चाहते हैं, तो वो ये क्रीम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू वाइट टोन फेस क्रीम के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा एंड मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको इतना सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल बटन को प्रेस जरूर करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।